हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ वर्लपूल कंपनी के 245 लीटर्स टू स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये एक डबल डोर की बजट फ्रिज है और इसका कलर है वाइन क्रोमियम। इस फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस फ्रिज के बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। और यहां पे देखी जा सकती है इस फ्रिज की डिटेल्स। ये एक 245 लीटर्स की फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। पावर कंजम्पशन की डिटेल्स और डायमेंशन यहाँ पे देखी जा सकती है। इसका मॉडल है 21371 और इस फ्रिज की MRP है 22,900 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल दिया गया है और इसका कलर है वाइन क्रोमियम। इस फ्रिज की स्टार रेटिंग है 2 स्टार एंड 1 ईयर में ये फ्रिज अप्रॉक्स 244 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। और साथ में देखी जा सकती है कुछ अदर डिटेल्स। इस फ्रिज पे हमें मिलती है 1 ईयर की वारंटी और इसके कंप्रेसर पे मिलती है हमें 10 ईयर्स की वारंटी। इस फ्रिज में प्रोवाइड किया गया है 6th सेंस डीप फ्रिज टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रिज के हैंडल को एक लॉन्ग ग्रिप की हैंडल प्रोवाइड की गई है। कुछ इस तरह से पुल करके इसे ओपन किया जा सकता है। और फ्रिज के साइड में देखी जा सकती है इस फ्रिज की लॉक। आइए अब इस फ्रिज को सारी साइड से क्लोजली देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और इसके इनसाइड व्यू को। ये इस फ्रिज को ओपन करने के बाद इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इम्प्रेशन। और यह इस फ्रिज की पहली डोर जिसे फ्रीजर डोर कहते हैं। इसकी स्पेस अच्छी दिख रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइस ट्रे दिया गया है। कुछ इस तरह से पुल करके इसे बाहर निकाला जा सकता है और कुछ इस तरह से रोटेट करके आप आइस को निकाल कर नीचे दिए गए ट्रे में कलेक्ट कर सकते हैं। ये रोटेट करने पर नीचे वाली ट्रे में आ जाती है, उसके बाद आप इसे निकाल कर आइस यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और कंप्लीट सेक्शन डिटैचेबल है, आप इसे कुछ इस तरह से पुल करके बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब प्रोवाइड किया गया है फ्रीजर सेक्शन में, जिसमें दी गई 3 सेटिंग, मिनिमम फ्रीजर एंड नॉर्मल एंड देन डीप फ्रिज। नॉर्मल के लिए रिकमेंडेशन रहती है और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं।
और यह है इसकी कंप्लीट इनसाइड व्यू। और यह है इस फ्रीजर की डोर साइड, यहाँ पे दी गई है दो रैक जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फ्रोजन फूड रख सकते हैं, और रैक को बाहर भी निकाला जा सकता है कुछ इस तरह से पुश करके। और यह है कंप्लीट फ्रिज सेक्शन। सो सबसे पहले हमें दिखता है चिलर ट्रे, कुछ इस तरह से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है डेरी फ्रेश। और यहाँ पे प्रोवाइड की गई है दो शेल्फ, और शेल्फ को पुल करके बाहर निकाला जा सकता है कुछ इस तरह से। टफन ग्लास की बनी हुई ये शेल्फ है और इसकी मटेरियल मुझे अच्छी दिख रही है। और फ्रिज सेक्शन में भी कूलिंग कंट्रोल नॉब प्रोवाइड किया गया है, और इस नॉब को मूव करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। और सबसे नीचे प्रोवाइड किया गया है वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स, और उसके ऊपर आप एक कवर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे बाहर निकाला जा सकता है। और हेक्सावेयर मॉइस्चर लॉक प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह से आप मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी बैक साइड पे जो पैटर्न है वो हेक्सा पैटर्न है, जिसके कारण वेजिटेबल बॉक्स में मॉइस्चर कंट्रोल रहती है। और ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल बॉक्स, आइए मैं इसे क्लोजली दिखा दूं। और ये है इस फ्रिज की डोर साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी रैक प्रोवाइड किया गया है, और नीचे प्रोवाइड किया गया बॉटल रैक, और एक सेपरेटर दिया गया है बीच में, आप बॉटल्स को रख के इसे कुछ इस तरह से मूव करके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें दिखती है एक और बॉटल रैक जिसमें छोटी बॉटल्स आसानी से रखी जा सकती है। सो टोटल 3 रैक्स प्रोवाइड की गई है। और साथ में मिलती है हमें कुछ एसेसरीज। तो सबसे पहले मिलता है हमें एग एंड लेमन ट्रे, और यह इस फ्रिज की लॉक की, जिसकी मदद से इस फ्रिज को लॉक एंड अनलॉक किया जा सकता है। मैं वीडियो के आगे बताऊंगा कि इसे कैसे लॉक करना है। और यह इस फ्रिज की यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की सारी डिटेल्स को जानने में, और इसे कैसे ऑपरेट करना है वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में प्रोवाइड की गई है। और वारंटी पेपर पे जिस भी डीलर से इसे परचेज़ करें वहाँ सारी डिटेल्स को फिल करवा लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रिज का लॉक प्रोवाइड किया गया, लॉक की को जब आप इंसर्ट करके मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से लीवर निकल जाती है और दोनों डोर लॉक हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। आप जब इसे आप लॉक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों डोर लॉक हो चुकी है और ये ओपन नहीं होगी। उसे ओपन करने के लिए आपको लॉक की को कुछ इस तरह से मूव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये थी वर्लपूल कंपनी के 245 लीटर्स 2-स्टार फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट डिटेल्स, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।